हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक एक बार फिर से 600 रुपए के आसपास गया और यहाँ पर हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है। क्या यहाँ से गिरावट पॉसिबल है और यदि गिरावट होगी तो कहाँ तक की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। नीचे आप देखेंगे 500 रुपए पे स्टॉक आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है और इस स्ट्रगल के बाद स्टॉक में आती है तेजी और ये तेजी स्टॉक को लेकर के जाती है ऊपर लगभग 620 तक। यहां से स्टॉक में आपको फिर गिरावट देखने को मिली 540 रुपए तक गिरने के बाद स्टॉक आपको फिर से तेजी करता हुआ दिखाई देता है। लगभग 600 रुपए के आसपास स्टॉक आया, फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिलती है और स्टॉक एक बार फिर 500 रुपए हमें दिखाई देता है। 500 से 540 के बीच में आप देखेंगे स्टॉक का ट्रेंड, यहां पर ये देखिएगा एक बार फिर 500 रुपए आने के बाद स्टॉक में तेजी आती है और फिर से आप देखेंगे स्टॉक चलते चलते 600 रुपए के आसपास पहुंचा था। 600 के आसपास जाते ही स्टॉक में वापस से 598 का लेवल हमने देखा है और यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है। यदि यहाँ से गिरावट कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली आपको फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है, 540 तक या फिर उसके नीचे 500 तक भी आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यदि यहाँ से स्टॉक ऊपर चलता है और डेफिनेटली कोई ब्रेकआउट हो जाता है, 620 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, उस केस में हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 700 रुपए तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा, फिलहाल दिख रहा है यहाँ पर रेड कैंडल बनते हुए और यदि ये रेड कैंडल बनती है तो स्टॉक आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है।